नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल Try to Explore पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के सौराष्ट्र जिले में गोमती नदी के किनारे स्थित भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत नगरी द्वारका, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक राज किया था, उसी द्वारका के रहस्य के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वर्तमान में हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में दो जगह दर्शन करते हैं, एक मुख्य द्वारकाधीश मंदिर और दूसरा बेट द्वारका। मुख्य द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, एक 7 मंजिला भव्य मंदिर है जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों की श्रेणी में शामिल है। ये मंदिर 72 स्तंभों पर खड़ा है और 2500 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के परपोते वज्रभान के द्वारा करवाया गया था। यहाँ बैठ करके भगवान श्री कृष्ण शासन किया करते थे। वही दूसरी बेट द्वारका, जहाँ हमें समुद्र मार्ग की सहायता से जाना होता है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण निवास किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, बेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के महल हुआ करते थे, वही द्वारकाधीश मंदिर में वो शासन किया करते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की ये भव्य नगरी तब बनी थी जब मथुरा छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका आए थे। माना यह जाता है कि जहाँ वर्तमान में द्वारका है, वहाँ पहले समुद्र हुआ करता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर समुद्र ने भी अपना पानी पीछे खींच लिया और वहाँ पर द्वारका जैसी सुंदर, भव्य एवं अद्भुत नगरी का निर्माण हुआ। ये नगरी अपने समय में सबसे अद्भुत नगरी मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये नगरी कहाँ पर गायब हुई, उसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये अद्भुत नगरी समुद्र की अनंत गहराइयों में कहीं अदृश्य हो गई है। लेकिन कहा जाता है कि आस्था को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन शायद भगवान श्री कृष्ण खुद ही प्रमाण देना चाहते हैं। इसलिए भारत की आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने जब यहाँ पर खोज की तो समुद्र तल की गहराइयों में एक ऐसी नगरी के साक्ष्य मिले हैं जो अपने आप में भव्य एवं अद्भुत थी। हालांकि संपूर्ण साक्ष्य मिलना तो अभी बाकी हैं, लेकिन जो भी साक्ष्य मिले हैं वो इसी बात का संकेत हैं कि यहाँ हजारों वर्ष पूर्व एक भव्य एवं सुंदर नगरी हुआ करती थी, जो आज की आधुनिक जो नगरियाँ होती हैं उनसे भी श्रेष्ठ हैं। माना यह जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा छोड़ के द्वारका आए थे तो समुद्र ने इस नगरी को बनाने के लिए जगह दी थी। लेकिन हालांकि भगवान श्री कृष्ण अजर अमर हैं, लेकिन जब उन्होंने अपना मनुष्य रूप त्याग करके वैकुंठ चले गए, उसके बाद में समुद्र में ये नगरी पुनः समा गई। इसीलिए आज भी भक्तों को ये लगता है कि समुद्र तल की अनंत गहराइयों में भगवान श्री कृष्ण की वो नगरी है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक शासन किया था, और इसके सबूत आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी समय समय पर मिलते रहे हैं। तो ये वीडियो था भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के बारे में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।